रीवा में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी की भी निजी भूमि पर कब्जा कर उसे अपना बना लेते हैं। अपनी दबंगई और रुपए के दम पर उक्त जमीन को फर्जीवाड़े कर अपने नाम करवा लेते हैं और वास्तविक भूस्वामी दर 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 की ठोकर खाता रह जाता है। पूरा मामला रीवा के अनंतपुर गृह निर्माण सोसाइटी अंतर्गत शारदा नगर गोढ़ार का है। पीडी शिव प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अनंतपुर गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश पांडे द्वारा दबंगई दिखाते हुए उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है और उक्त भूमि को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने बताया कि जमीन से संबंधित दस्तावेज, रजिस्ट्री खसरा सहित अन्य दस्तावेज उसके पास हैं, उसके बावजूद दबंगई दिखाते हुए पीड़ित की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। कलेक्टर से मांग की है कि पीड़ित की भूमि को वापस दिलाया जाए, नहीं तो यही आत्मदाह कर लूंगा। रोज कहीं कुछ कागज देने पूछने जाओ, बोलेंगे आज की अधिकारी नहीं है, कल को अधिकारी नहीं है। ये अध्यक्षता आज आइएगा, कल आइएगा, अध्यक्षता का जो है काम लगवाओ, उसमें रोकते हैं, सारी तरह से परेशान करके रखे हुए हैं। हम लोग पसीना है, काम किए दो महीने आपको प्लॉट जो मिला उसमें पता नहीं, हमारा 40 साल पुराना प्लॉट क्या कहते हैं जिसमें हमारी बाउंड्री वाल बनी हुई है, तो ये हमारे साथ जबरदस्ती जोर जबरदस्ती क्या कहते हैं भैया भैया मतलब हमारे प्लॉट की जो हड्डी की रजिस्ट्री करवा दी है। मैं शिव प्रसाद गुप्ता हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से सतीश पांडे द्वारा सोसाइटी अनंतपुर गृह निर्माण सोसाइटी अध्यक्ष के द्वारा प्रताड़ित हूं। पिछले 10 वर्षों से ये हमारे प्लाट के बगल में इनका घर होने के नाते ये पहले तो हमें मतलब बेचने का प्रलोभन देते थे, हैं कि हमारे हमको ये बेच दीजिए प्लाट अपना, और हमारे मना करने के बावजूद मतलब इन्होंने जो है कई बार हम प्रयास किया कि हमें बेच दीजिए, और जब इन्होंने ये देखा कि ये किसी तरह से बेचने के लिए राजी नहीं है, तो वर्तमान में ये अध्यक्ष होने के बाद मेरे को दूसरी तरीके से परेशान करना शुरू कर दिए, और वर्तमान आज की स्थिति में ये हमारे प्लाट की चौहद्दी दिखाकर अपने मतलब खसरा नंबर अपना सोसाइटी का लगा के प्लाट मेरे प्लाट की चौहद्दी लगा के मेरा प्लाट जो है हड़पना चाहते हैं। प्लाट है मेरा प्लाट 40x70 का गुड़हर शारदा नगर में स्थित है। कागज किसके पास है? कागज मेरे पास है, खसरा मेरे पास है, ऋण पुस्तिका मेरे पास है, सारी चीज़ें मेरे पास है, मेरी बाउंड्री की हुई है। फिर कैसे बेच रहे हैं? उनका फर्जीवाड़ा करने का तरीका है, अपनी ताकत से ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं मेरे साथ। रजिस्ट्री भी इनकी फर्जी हुई है, फर्जी तरीके से हुई है, क्योंकि खसरा नंबर उसमें मेरा नहीं है। कलेक्ट्रेट आए हैं आप? हम कलेक्ट्रेट आए हैं, कलेक्टर साहब को जो है अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, और कलेक्टर साहब से हमारी दरख्वास्त है कि हमारा न्याय करें। अगर न्याय नहीं, तो नहीं मिलता है हम तो हम सुसाइड कर लेंगे, सब परिवार जो है आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। हम कागज दे के लिख के जाएंगे पूरी सोसाइटी में सारे। हमारा नाम शिव प्रसाद गुप्ता है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।